इस वीडियो में हम सीरीज़ पैरेलल सर्किट कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। अभी हम सीरीज़ सर्किट सेपरेटली रेजिस्टर्स का देखते आए, पैरेलल सर्किट सेपरेटली देखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है जबकि पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है, और सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अब आप ये देखिए कुछ कम्बिनेशन है। अभी तक आपने अगर कोई सर्किट पढ़ा हो तो अगर मैं सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाऊँ तो R1 R2 R3 ये तीन रेजिस्टर्स हैं एंड दे ऑल आर इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं आपसे सर्किट की RT पूछूं तो RT आप किस तरह से लिखते हैं? जस्ट विद द प्लस साइन। अब मैंने इस सर्किट में जो आपको सामने नज़र आ रहा है इसमें मैंने किया है R1 के पैरेलल एक रेजिस्टर लगा दिया R4। तो क्या अब मैं ये लिख सकती हूँ कि R1 इज पैरेलल, दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल टू R4? ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस बन गया। इसको ज़रा आप देखते हैं कि क्या कैसे ये सर्किट का हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं या टोटल रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ से पहले देखें, करंट यहाँ से जब निकला IT बैटरी से, इसको मैं नाम देती हूँ IT। ये IT जब इस पॉइंट पे पहुँचा है इसका कुछ हिस्सा यहाँ चला गया I1 और कुछ हिस्सा यहाँ चला गया I4। फिर इस पॉइंट पे पहुँच के ये दोनों कंबाइन हो या आप KCL को यूज़ करें, इस नोड पे पहुँच के ये डिवाइड होया और इस नोड पे पहुँच के ये दोनों फिर कंबाइन होया और ये बन गया I2 और I3। अब इस सर्किट में आप देखें जहाँ करंट डिवीजन हो रही है वो चीज़ क्या होती है? पैरेलल। मगर अब कौन सा रेजिस्टर किसके पैरेलल है ये चीज़ आपको गेस करनी है। तो अगर मैं ये कह दूँ कि R1 इस प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल को हम कैसे शोर्ट करते हैं दो वर्टिकल लाइन के, इस R4 इज दिस समथिंग लाइक दिस? नो, ये ऐसा कोई कम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि इन सब के पैरेलल में ये R4 है जबकि R4 सिर्फ पैरेलल लगा हुआ है R1 के। इसको थोड़ा हम इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स को नाम दे दूँ, ये इस जंक्शन को इस जंक्शन को A B, तो A B पॉइंट पे असल में मेरे पास खाली R1 या R4 नहीं लगा हुआ, खाली R1 या R4 नहीं लगा हुआ बल्कि R1 और R4 का कम्बिनेशन है। और वो क्या कम्बिनेशन है? पैरेलल। और वो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब यहाँ से IT करंट हमारा निकला तो इस पॉइंट पे पहुँच के वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। और डिवीजन किधर होती है? किस सर्किट में होती है? पैरेलल सर्किट में। तो ये कम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन गया, AB पॉइंट पे असल में मेरे पास कम्बिनेशन लगा हुआ है, तो मेरे पास ये बन गया R1। अगर मैं RT पूछूँ इस सर्किट की तो वो बन जाएगा R1 पैरेलल R4, इन दोनों का कम्बिनेशन प्लस R2 प्लस R3। या मैं इसको इस तरह भी शो कर सकती हूँ कि असल में यहाँ जो रेजिस्टर लगा हुआ है पॉइंट ए और बी पे वो लगा हुआ है 1 पैरेलल 4 और ये लगा हुआ है R2 और R3। तो R14 ए से बी तक जो रेजिस्टर लगा हुआ है ए से बी पॉइंट में R1 और पैरेलल 4 का कम्बिनेशन लगा हुआ है और वो फिर जाके इन ये कम्बिनेशन मैंने ब्रैकेट्स में शो कर दिया, नहीं ये पूरा कम्बिनेशन जाके R4 और R3 के साथ सीरीज में है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर कुछ करंट डिवाइड हुआ है। ओके, इसको हम फर्दर देख सकें अगर इस रिलेशन को, यहाँ देखें अब R2 के भी पैरेलल है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ पॉइंट ए, उसी तरह पॉइंट बी, इसको नाम दे दूँ पॉइंट सी और पॉइंट डी, तो मेरे पास मैं इसको CD का नाम दे रही हूँ और इसको AB का नाम दे रही हूँ। तो असल में अब AB पॉइंट पे मेरे पास क्या, यहाँ से अगेन करंट निकला IT, वो इस पॉइंट पे पहुँच के तो डिवाइड हो गया, कुछ KCL लगाए, कुछ हिस्सा यहाँ गया कुछ हिस्सा यहाँ गया और इसी तरह इस पॉइंट पे मिलके दोनों कंबाइन हुए और जब इस पॉइंट पे पहुँचे तो कुछ हिस्सा यहाँ गया और कुछ हिस्सा यहाँ गया। तो मेरे पास जो रेजिस्टर्स कम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह है, ए से बी जो मेरे पास रेजिस्टर लग गए हैं वो लगे हैं R1 पैरेलल R4 और यहाँ जो लगे हुए हैं R2 पैरेलल R5 और यहाँ लगा हुआ है R3। तो मेरे पास
इट इज़ आर टी या आर इक्विवेलेंट भी मैं इसको बोल सकती हूँ, इट्स अ सेम थिंग। आर टी और आर इक्विवेलेंट मैं इसकी फाइंड करूँ तो रिलेशन इनके दरमियान बन जाएगा आर फोर। यहाँ थोड़ा इस एरिया में लिख लेते हैं, जगह ज़्यादा है। आर वन पैरेलल आर फोर प्लस आर टू पैरेलल आर फाइव प्लस आर थ्री। यानी ये नहीं मैं कह सकती कि आर वन सीरीज़ में आर टू के साथ, ये पूरा का पूरा कम्बिनेशन सीरीज़ में जा रहा है इस पूरे कम्बिनेशन के साथ, नॉट ओनली आर वन और नॉट ओनली आर फोर, ये पूरा का पूरा कम्बिनेशन उसके साथ सीरीज़ में। इसलिए मैंने पूरे कम्बिनेशन को लिख के फिर प्लस का साइन डाला, फिर आर टू और आर फाइव में खाली आर टू या खाली आर फाइव उसके साथ सीरीज़ में नहीं है, पूरा का पूरा ये कम्बिनेशन उसके साथ सीरीज़ में। दिस इज़ हाउ कैन आई शो द रिलेशन, दिस इज़ आर फाइव। ओके, इसको फर्दर और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब ये आपके पास कुछ इससे ईजी देखते हैं पहले। ये आपके पास कुछ रेजिस्टर्स है। ग्राउंड का मतलब है कि कनेक्शन कंप्लीट है, यानी ये सर्किट ऐसे ही बना हुआ है। जिन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो रेजिस्टर कुछ ऐसे बना हुआ है। तो आप यहाँ देखें, इस सर्किट में आपके पास आई टी निकला इधर से, जो आई टी है वही आई वन है आपके पास। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जैसे पहले था, यानी यहाँ कुछ भी पैरेलल में नहीं है। तो जो आई टी है आपके पास वही आई वन है आपके पास। तो मैं कह सकती हूँ कि आई टी इज़ एक्चुअली इक्वल टू आई वन। लेकिन इस पॉइंट ए पे पहुँच के आई टी का या आई वन का कुछ हिस्सा यहाँ चला गया और कुछ हिस्सा यहाँ चला गया। इसका मतलब जिन दो हिस्सों में डिवीजन हुई है वो दो हिस्से पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि डिवीजन किस में होती है? पैरेलल सर्किट में। तो इस सर्किट के लिए आप रिलेशन क्या लिखेंगे? अगर मैं आपसे आर टी पूछूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब देखें आर टू पैरेलल आर थ्री, अगेन असल में मेरे पास ये पॉइंट ए से ग्राउंड तक जो रेजिस्टर लगा हुआ है ना, यानी ये सर्किट कुछ इस तरह है। दिस इज आर वन, इस आर वन पे पॉइंट ए पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ आर टू पैरेलल आर थ्री। इट्स नॉट ओनली वन रेजिस्टर। अगर मैं यहाँ वैल्यू भी फाइंड करूँ तो ये वैल्यू कैसे मेरे पास फाइंड हो सकती है? आर वन की वैल्यू 150 है, ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल के लिए आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? 1/1 ओवर आर टू की वैल्यू 560 है और इसकी वैल्यू भी 560 है आर थ्री की। ये आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, दिस इज़ 560। तो हम न्यूमेरिकली फाइंड करें तो आपके पास आंसर आता है 150 प्लस 280। तो यहाँ जो रजिस्टर पॉइंट ए पे लगा हुआ है ये खाली 560 या 560 नहीं है, आपके पास 280 का रजिस्टर लगा हुआ है। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे आर टू पैरेलल आर थ्री तो कुछ इस तरह हो जाएगा, जो आपने पैरेलल में टोटल रजिस्टर या इक्विवेलेंट रजिस्टर के लिए फार्मूला देखा था कि वो कैसे फाइंड होता है। तो आर वन खाली आर टू के साथ सीरीज़ में नहीं है, आर टू के साथ सीरीज़ में इसीलिए भी नहीं है क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। लेकिन जब आई वन इधर पहुंचा है तो आप देखें आई वन का कुछ हिस्सा लिया आई टू ने, बाकी हिस्सा यहाँ चला गया। क्योंकि इसका मतलब है यहाँ पैरेलल है, ये इसके साथ सीरीज़ में। आप इसलिए अगर ये समझें कि एक एंड अटैच है इस रजिस्टर का, तो दैट्स वाई दिस इज़ इन सीरीज़। नो, सीरीज़ में होने के लिए करंट भी सेम होना चाहिए। तो करंट जो आई टू में जा रहा है वो आई वन का कुछ हिस्सा जा रहा है। सो यू कांट से कि वो उसके साथ सीरीज़ में है क्योंकि उसका एक एंड अटैच है। आप ये देखें कि करंट की डिवीजन तो नहीं हो रही, करंट की डिवीजन हो रही है तो इसका मतलब कोई चीज़ है जिसके साथ ये चीज़ पैरेलल में है, वो पूरा कम्बिनेशन जाके इसके साथ सीरीज़ में है। और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, 430 ओम, असल में सर्किट में जो रजिस्टर लगा हुआ 430 ओम है। ओके, अब मैं क्या इधर कोई करंट या वोल्टेज फाइंड कर सकती हूँ? अच्छा, वोल्टेज मुझे दिया हुआ है 80। मैं करंट आई टी फाइंड कर सकती हूँ। आई टी किसके इक्वल होता है? ओम से लोग आके वी टी ओवर आर टी। तो वी आई टी मुझे वी टी मुझे इक्वल है 80 वोल्ट।
और मैंने RT की वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ से, तो ये बन जाएगा 430 और कुछ मेरे पास आ जाएगी करंट की वैल्यू। ओके, यहाँ जो भी IT की वैल्यू आ जाएगी मैं क्या डिक्लेयर कर सकती हूँ कि वही IT इज इक्वल टू I1 है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जब आई टी निकला है तो वो सीधा I1 में गया, कोई तीसरा रास्ता उसके पास नहीं है, इसका मतलब IT और I1 सीरीज में है। तो मैं चौथी चीज़ इसमें क्या फाइंड कर सकती हूँ, मैं सारी अननोन चीज़ें फाइंड कर रही हूँ। हमने ये पहले देखा था, हमारे पास किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस दो चीज़ें हो तो हम तीसरी फाइंड कर सकते हैं। I1 हमारे पास आ गया, R1 वो। अब मुझे ये बात पता है कि IT इज इक्वल टू या I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, क्योंकि उनका कुछ कुछ पार्ट जा रहा है। ओके, अब यहाँ देखें, कुछ वोल्टेज VS का कुछ वोल्टेज यहाँ डिवाइड हो रहा है V1, और कुछ वोल्टेज डिवाइड हो रहा है इस पॉइंट पे V से 2 तक। तो अभी जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ ड्रॉ किया था, हमने शो किया था, असल में ये सर्किट कुछ इस तरह से है। पॉइंट ए पे जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं वो लगे हैं R2 और 3 का पैरेलल कंबिनेशन, खाली R2 या खाली R3 नहीं है। तो मैं इस पॉइंट पे नाम दे देती हूँ, ये VA है असल में, और क्यों, क्योंकि ये चीज़ उसके साथ सीरीज़ में है, और सीरीज़ में हमें पता हुआ है कि वोल्टेज डिवाइड होता है। तो क्या मैं यहाँ KVL लगा सकती हूँ, VS इज इक्वल टू V1 प्लस VA, और जो VA पे, अगेन मैं बात कर रही हूँ, जो VA इस पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो खाली R2 या R3 की वजह से नहीं हो रहा, वो R2 और R3 के कम्बिनेशन यानी 280 ओम रेजिस्टर की वजह से ड्रॉप हो रहा है, 560 से नहीं हो रहा। तो फिर मैं क्या आगे डिक्लेयर कर सकती हूँ, जो VA है वही मेरे पास V2 है, वही मेरे पास V3 है, क्यों, क्योंकि A पॉइंट से लेके ग्राउंड तक जो पैरेलल रेजिस्टर है वो बिल्कुल R2 और R3 है, और वोल्टेज हमारे पास उसमें सेम रहता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं कि V2 80 वोल्ट है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल इसके पैरेलल है बैटरी के। आप ये देखें, R2 का एक एंड तो इसके साथ लगा हुआ है बैटरी के साथ, लेकिन ये वाला एंड क्या डायरेक्टली बैटरी के साथ है, नहीं, बीच में कोई रेजिस्टर है, इसका मतलब कुछ सीरीज़ में चीज़ जा रही है, तो सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो V1 और प्लस VA और VA वही है जो V2 V3 है। तो मैं क्या यहाँ से VA की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, VS मुझे गिवन है, VA मैं फाइंड कर लूँगी, V1 मैंने यहाँ फाइंड कर लिया, V1 मैंने यहाँ फाइंड कर लिया, तो हमारे पास VA आ जाएगा और मैं उसे डिक्लेयर कर दूँगी VA ही V2 है, V3 है, और उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, I2 फाइंड कर सकती हूँ V2 ओवर R2, और I3 फाइंड कर सकती हूँ V3 ओवर R3। ओके, और देखते हैं, अब यहाँ रेजिस्टर देखें, यहाँ में VS गिवन है 50 वोल्ट। ओके, यहाँ आप देखें, हमारे पास यहाँ से करंट आया, दिस इज़ द बैटरी, और करंट आया यहाँ से IT, और उसका कुछ हिस्सा यहाँ चला गया और कुछ हिस्सा यहाँ चला गया। ओके, अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा इस पूरे के पूरे हिस्से के पैरेलल में है। अब ये हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी कुछ ब्रांचेस बना सकते हैं। मैं अगर इसे कह दूँ ये ब्रांच 1 है और ये मेरे पास ब्रांच 2 है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ब्रांच RT मुझे फाइंड करनी है, मैं कह सकती हूँ ब्रांच 1 इज पैरेलल टू ब्रांच 2। अब मेरे पास ब्रांच 1 में सिर्फ एक ही रेजिस्टर है, तो मैं वो लिख देती हूँ R1 और पैरेलल साइन वैसे का वैसे। ब्रांच 2 में आप देखें कि जब ये I2 आया तो कुछ हिस्सा I3 में चला गया, कुछ हिस्सा I4 में, इसका मतलब I3 और I4 आपस में पैरेलल में है। तो यहाँ और I2 इनके साथ सीरीज़ में है, लेकिन डायरेक्ट I3 या R4 के साथ सीरीज़ में नहीं है, इस कम्बिनेशन के साथ सीरीज़ में है। तो ये मेरे पास हो जाएगा R2 प्लस R3, अगर मैं इस पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँ, R3 पैरेलल R4, तो ये कम्बिनेशन बन जाएगा। यानी मेरे पास जो सर्किट बना हुआ है, दिस इज़ बैटरी, दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2 एंड R3 पैरेलल R4। तो अगर मैं कहूँ ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, यहाँ मैं पॉइंट C का नाम दे दूँ, तो पॉइंट B और C से लेके कोई एक रजिस्टर R3 या R4 नहीं, बल्कि इन दोनों का कम्बिनेशन लगा हुआ है। तो दिस विल बिकम द RT। अब इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, सॉल्व इसको कैसे कर सकते हैं,
आपने ये किया क्योंकि पैरेलल है, तो इसका मतलब 1/r1 ये बिल्कुल पैरेलल है इस पूरे हिस्से के। अच्छा, अब इसको पहले अलहदा से सॉल्व कर लीजिएगा, r1 और r3/4 को अलहदा से सॉल्व कर लीजिएगा और इसका यहाँ पार्ट लिख दीजिएगा, पैरेलल हुई 1/r2 प्लस r3 पैरेलल r4। इस आर पैरेलल r3/4 को आप अलग से पहले ही फाइंड कर लेगा, 330 और 560 का, वो आपके पास आ जाना चाहिए 1/r3 प्लस 1/r4, वो चीज़ आपके पास r3 पैरेलल r4 का आंसर देगी। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं और जो भी वैल्यू आई है आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, अब ज़रा हम आगे चलते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ में आप देखें R1 इज़ डायरेक्टली पैरेलल टू दिस बैटरी, और मैंने बैटरी का आपको कहा आपको वोल्टेज गिवन है, दैट इज़ 50 वोल्टेज। आप देखें R1 बिल्कुल पैरेलल है VS के, ना यहाँ कोई कंपोनेंट लगा हुआ है ना यहाँ कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास जो V1 है वही VS है, और अगर मेरे पास V1 आ गया तो मैं I1 फाइंड कर सकती हूँ V1/r1। V1 की वैल्यू ये 50 वोल्ट होगी और R1 की गिवन है। अब मैं क्या कर सकती हूँ इस पॉइंट का, अच्छा आप देखें तो पूरे ब्रांच 2 का करंट मेरे पास क्या है, पूरे ब्रांच 2 का वोल्टेज 50 वोल्टेज है, खाली R2 50 वोल्टेज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके पैरेलल नहीं लगा हुआ, बीच में एक और कुछ कम्बिनेशन है, तो ये कुछ हो जाएगा। मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ, यहाँ ही लिख देती हूँ, वी ब्रांच 2 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 50 वोल्टेज। मैं क्या करती हूँ RT ऑफ ब्रांच 2 फाइंड करती हूँ, वो क्या मेरे पास आ जाएगी, वो मेरे पास होगी R2 प्लस R3 पैरेलल R4, जो भी वो ब्रांच 2 आएगी तो मैं IT ऑफ ब्रांच 2 फाइंड कर सकती हूँ। वो कैसे फाइंड कर सकती हूँ, वी ब्रांच 2 जो कि मेरे पास 50 वोल्टेज है और डिवाइडेड बाय RT ऑफ ब्रांच 2। उसके बाद मैं क्या डिक्लेयर कर सकती हूँ कि ITB2 जो है वही मेरे पास है I2। क्यों? क्योंकि जो ब्रांच 2 में करंट गया है IT का जो हिस्सा I1 ने कुछ लिया और बाकी ब्रांच 2 में गया है वो सीधा इस रेजिस्टर में गया, उस रेजिस्टर से बाकी हिस्सा कुछ ना कुछ यहाँ डिवाइड हुआ है। तो मैं फर्दर आगे क्या सॉल्व कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ V2 इज इक्वल टू I2R2। I2 वही है जो मैंने यहाँ ये चीज़ फाइंड की है, और V2 जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं इस चीज़ को आगे फर्दर कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये चीज़ आ गई तो मैं कह सकती हूँ वी ब्रांच 2 इज़ एक्चुअली इक्वल टू V2 प्लस, मैं इसको चाहे नाम दे दूँ VBC का, इस पॉइंट से BC, मैं इसे BC पॉइंट इसलिए नाम दे रही हूँ क्योंकि B और C पे खाली R3 या R4 नहीं है, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है उसकी वजह से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और ये आगे दो सीरीज़ में है इसलिए ये ब्रांच 2 का 50 वोल्ट में से कुछ हिस्सा ये लेगा और कुछ हिस्सा ये पॉइंट लेगा, तो मैं इसे नाम दे देती हूँ VBC। तो यहाँ VB2 आपके पास 50 वोल्टेज है जो आपने ये लिखा हुआ है, V2 आपके पास जो आपने ये फाइंड कर लिया, तो यहाँ आपसे आपके पास आ जाएगा VBC के दरमियान जो पॉइंट है वोल्टेज, आप उसे कह सकते हो वही V3 है, वही V4 है। जब V3 और V4 आ गया तो आप क्या कर सकते हो, वही I3 फाइंड कर सकते हो V3/r3, क्योंकि ये V3 वही है, और उसी तरह I4 और R4। इस सर्किट में आप देखें आपके पास कुछ कम्बिनेशन रेजिस्टर्स का किस तरह से है, आपके पास यहाँ बैटरी से करंट आया IT और IT डायरेक्ट I1 में गया, कोई और पाथ यहाँ हमारे पास नहीं है कि हम कहीं करंट की डिवीजन हो रही है, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि IT और I1 हमारे पास सेम है। ओके, जब इस पॉइंट पे पहुँचा पॉइंट ए पे, तो IT या I1 का कुछ हिस्सा यहाँ चला गया और कुछ हिस्सा यहाँ चला गया, यानी इस पूरे पार्ट में, तो यहाँ से ये पूरे पार्ट और ये पूरा पार्ट जहाँ आके करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पार्ट पैरेलल है। ओके, तो मैं अगर नाम दे दूँ इसको ब्रांच 1 और इसको नाम दे दूँ ब्रांच 2,
तो मैं कह सकती हूँ कि ब्रांच वन इज़ पैरेलल ब्रांच टू। ओके, मैं इधर करंट को नाम दे रही हूँ आई बी टू, यानी जो यहाँ करंट गया है दैट इज़ बी टू, ब्रांच टू में जाने वाला करंट। जो ब्रांच टू में करंट गया वही आई सिक्स है मेरे पास। जब करंट यहाँ से पास हुआ और इस नोड पे पहुँचा तो करंट, ये जो ब्रांच टू में करंट गया ये फिर से डिवाइड हुआ, कुछ हिस्सा इस रेजिस्टर में चला गया और कुछ हिस्सा इस रेजिस्टर में चला गया। इसका मतलब इस पॉइंट पे जहाँ करंट डिवाइड हो रहा है आगे जो रेजिस्टर्स हैं वो मेरे पास पैरेलल है। तो अब ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, मैं ये नहीं कह सकती कि आर वन और आर फाइव आर टू सीरीज़ में है। सीरीज़ में इसीलिए नहीं है, अगर मैं ये कहूँ कि आर वन इज़ इन सीरीज़ विद आर फाइव तो इसका मतलब है जो मेरे पास आई वन है वही मेरे पास आई फाइव है, क्योंकि करंट सेम रहना चाहिए। लेकिन आप देखें जब करंट आई वन आपका इस पॉइंट पे पहुंचा है तो आई वन का कुछ हिस्सा इस करंट में गया, आप सीरीज़ में गया, इस रेजिस्टर में गया। जबकि आप अगर ये बात है कि सिर्फ एक एंड अटैच है एंड आप जस्ट जंप टू द कंक्लूजन कि इसका मतलब ये सीरीज़ में होगी, दैट कंक्लूजन इज़ रॉन्ग। आप ये देखें कि इस पॉइंट पे जाके आई वन का कुछ हिस्सा इधर गया और कुछ हिस्सा इधर गया, तो इस पॉइंट पे आके इसका मतलब कुछ चीज़ पैरेलल है। अगले पॉइंट में आप देखें आर सिक्स डायरेक्टली अटैच, आर सिक्स का पहला एंड आर फाइव के साथ अटैच है, ठीक है, इसका मतलब करंट डिविजन हो रही है इस पॉइंट पे, ये पैरेलल हुआ। लेकिन क्या आर सिक्स डायरेक्ट पैरेलल है? नो। अगर आर सिक्स का दूसरा एंड बी डायरेक्टली अटैच होता रेजिस्टर, ये बी में ये वाले रेजिस्टर्स ना होते तो मैं कह सकती थी कि आर फाइव और आर सिक्स पैरेलल है। पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि करंट डिवीजन होगी जिसकी वजह से ये पैरेलल में चले गए। लेकिन क्या आर सिक्स डायरेक्टली पैरेलल है? नो, बीच में कोई चीज़ है। इसीलिए यहाँ पूरा ये सर्किट इसके पैरेलल जा रहा है, क्योंकि मैं अगर इस पूरे को ब्रांच टू का नाम दूँ तो इस पूरी ब्रांच का पहला एंड आर फाइव के साथ अटैच और दूसरा एंड आर फाइव के साथ अटैच है, और इस ब्रांच टू में जो कम्बिनेशन है वो सारा का सारा मैं कह सकती हूँ आर फाइव पैरेलल है ब्रांच टू के, या सर्किट टू भी आप कोई नाम अपनी तरफ से देना चाहे, मैं ये दे रही हूँ। मैं आर फाइव भी नहीं नाम देती, मैं इसे ब्रांच वन कह देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक ब्रांच ये बनी है और एक ये ब्रांच बनी है। इस ब्रांच में कुछ हिस्से हैं, ये फर्दर आके कुछ रजिस्टर्स इस ब्रांच में है और इस ब्रांच में रजिस्टर्स है। ये दोबारा मैं ये बता दूं आपको कि आर फाइव, आप आर वन और आर फाइव क्यों सीरीज़ में नहीं है, क्योंकि आप ये बात देख के कि आर वन इज़ वन एंड अटैच है, दूसरा एंड कहीं और अटैच है तो ये सीरीज़ में है। नो, अगर वो सीरीज़ में होते तो उनका करंट भी सेम होना चाहिए था, और उनका करंट आपके पास सेम नहीं है। आई वन का कुछ हिस्सा आई फाइव में जा रहा है और बाकी हिस्सा इधर जा रहा है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ब्रांच टू में जा रहा है, आई वन इस तरह से है। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर, वाइट इज नॉट क्लियर। ओके, अब जब मैंने रिलेशन लिखना है ना तो इस सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन में सबसे बेहतर तरीका है कि आप हमेशा राइट मोस्ट साइड से रिलेशन को बनाना स्टार्ट करें। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, अब इसमें पहले इस सर्किट में रिलेशन बनाएं, इट विल बी लाइक दिस, आर टी इज इक्वल टू, यहाँ मैं ये लिख दूँ, अगर इस चीज़ को देखें ये चीज़ आपकी पैरेलल आ रही है इस चीज़ के, और मैंने इस चीज़ को नाम दिया ब्रांच वन का और इस चीज़ को पूरी को नाम दिया ब्रांच टू का, तो मैं इसे लिख सकती हूँ ब्रांच वन इज़ पैरेलल टू ब्रांच टू, ये चीज़ हो गई। अब मैं ज़रा इस सर्किट को थोड़ा रिजॉल्व करके लिखती हूँ, आपके पास ये सर्किट हुआ आर वन, यहाँ आपके पास हुई आर फाइव जिसे आपने ब्रांच वन का नाम दिया, ये है आपके पास आर टू, और ये जो पूरी ब्रांच है इसमें आपके पास आर सिक्स थ्री और फोर लगे हुए हैं, आर सिक्स थ्री और फोर। इसका मतलब है मैंने कहा है ये मैंने पूरा कम्बिनेशन बना दिया है। याद रखें ए और बी पे, ए और बी पॉइंट पे खाली आर फाइव नहीं लगी हुई या खाली ये रेजिस्टर्स नहीं लगे हुए, इनका भी कम्बिनेशन लगा हुआ है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी पॉइंट पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो लगा हुआ है आर फाइव सिक्स थ्री और फोर का कम्बिनेशन।
तो आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होना है वो इस पूरे कम्बिनेशन की वजह से होना है, खाली आर फाइव की वजह से नहीं होना। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके आप सर्किट को ये पहले मैंने इसको सब डिवाइड किया इस सर्किट को, और फिर इसको सब डिवाइड किया है सर्किट को, यानी ये जो आर फाइव सिक्स थ्री फोर है इसके ये सीरीज़ में जा रहा है आर वन और आर टू के साथ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। और ये दो ब्रांचेज के ये आर फाइव सिक्स थ्री किस में आ रहा है, इन दो ब्रांचेज में, तो इसका मतलब है इनके साथ सीरीज़ में है आर वन और आर टू। ओके ओके, अब हम वोल्टेजेस को कुछ फाइंड करते हैं, या मैं कह सकती हूँ वी टी इज़ आर फाइव नो के बिल्कुल डायरेक्टली उसके सामने लगी है तो इसका वोल्टेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ आई टी फाइंड अगर कर लें सर्किट में, द फर्स्ट थिंग वी कैन फाइंड इज़ आई टी, हमने रिलेशन निकाला आई वन, सेकेंड थिंग हम आई टू आई टी निकाल सकते हैं वी टी ओवर आर टी, आर टी हमने ऊपर फाइंड कर लिया अब इस रिलेशन को, इसको थोड़ा और फर्दर पहले सॉल्व कर लें आर टी के रिलेशन को। आर टी आपने निकाला, ये आर वन निकाला, अब इस ब्रांच को भी आपने सॉल्व करना है। ब्रांच वन में आपके पास सिर्फ आर फाइव है, आर फाइव लिखा आपने, ये आपने वैसे का वैसे उतारा। बी टू में आपके पास क्या, ब्रांच टू में आर सिक्स आर थ्री और आर फाइव फोर आर थ्री और आर फोर, तो आप देखें आर थ्री और फोर आपके पास पैरेलल में है, आर थ्री और फोर पैरेलल में है, और वो सीरीज़ में जा रही हैं आर, दिस इज आर थ्री फोर, अगर मैं ये ब्रैकेट यूज़ कर लूँ ये चीज़ हो गई, और वापस ये ब्रांच टू को मैंने लिखा है, इस ब्रांच टू को मैंने ये लिखा है जिसमें आर थ्री और फोर पैरेलल है, क्योंकि यहाँ से करंट आया तो कुछ हिस्सा यहाँ चला गया कुछ हिस्सा यहाँ चला गया, इसका मतलब मैं इस पॉइंट पे देख आके देखूँ तो दो रेजिस्टर्स पैरेलल है, लेकिन क्या डायरेक्टली पैरेलल है, बिल्कुल, क्योंकि इनके दोनों अगले एंड भी अटैच हैं। मुझे ये बात हिंट कैसे मिल गई कि ये पैरेलल है, क्योंकि यहाँ से आके करंट डिवाइड हुआ तो इस पॉइंट पे जो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल हैं, मगर डायरेक्टली पैरेलल के लिए मुझे देखना पड़ेगा कोई और रेजिस्टर तो नहीं लगा। यहाँ आप देखें, यहाँ मुझे हिंट मिली आर फाइव और ये आर सिक्स पैरेलल है, क्योंकि इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हुआ, लेकिन आगे देखें तो दूसरा एंड डायरेक्टली अटैच नहीं था, बीच में रेजिस्टर्स थे, इसका मतलब ये पूरा कम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में जा रहा था, जिसे मैंने ब्रांच टू का नाम दे दिया। तो आर सिक्स आप देखें पैरेलल ज़रूर है, मगर किसी कम्बिनेशन के साथ पैरेलल है, तो आर थ्री और फोर भी उसी तरह पैरेलल है, मगर डायरेक्टली पैरेलल इसलिए क्योंकि आगे कोई और रेजिस्टर नहीं है। ओके, और आर टू आप उसी तरह, ये आर टू आप उसी तरह उतारें। ओके, अब इसको होपफुली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम वैल्यूज़ अगर फाइंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये हमने फर्स्ट स्टेप किया। सेकंड स्टेप में क्या कर सकती हूँ, मैं आई टी फाइंड कर सकती हूँ इज़ इक्वल टू वी टी ओवर आर टी, और हम स्लो लगा के वी टी आपको गिवन है, आर टी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि आई टी इज़ इक्वल टू आई वन, वाई आई कैन से दिस, क्योंकि करंट बिल्कुल यहाँ सेम है, फिर यहाँ देखिए करंट यहाँ जाके डिवाइड हो जाता है और यहाँ जाके डिवाइड होता है, वापस इस नोड पे मिलते हैं तो वही आई टू होता है, तो यही चीज़ मैं कह सकती हूँ वही मेरे पास आई टू है। ओके, वही आई टू है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चौथे स्टेप में वी वन फाइंड कर सकती हूँ, आई वन आर वन, क्यों, क्योंकि मुझे आई वन यहाँ से मिल गया जो मैंने आई टी फाइंड किया था, और आर वन की वैल्यू गिवन है, और इसी तरह मैं वी टू फाइंड कर सकती हूँ, वी टू इज़ इक्वल टू आई टू आर टू, क्योंकि जो वैल्यू आई टू जो वैल्यू आई टी की है वही आई टू की वही आर टू की। अब यहाँ रह गया वोल्टेज दिस वन। अब इस पूरे सर्किट को देखिए, जब हमने रीड्रॉ किया था तो हमने कहा था कि हमारे पास ए और बी पॉइंट पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है ये आर वन है, ये आर टू है, और जो यहाँ रेजिस्टर लगा हुआ है वो लगा हुआ है आर फाइव सिक्स थ्री फोर का कम्बिनेशन, ठीक है। और अब इसको फर्दर आपने ये भी देखा कि आपके पास ए बी के बिल्कुल पैरेलल लगा हुआ है आर फाइव, और यहाँ जो है आर सिक्स थ्री फोर का सारा का कम्बिनेशन लगा हुआ है, ए बी के बिल्कुल पैरेलल आर फाइव लगा हुआ है। अब पहले ये देखें कि आपने ये जो वी टी लिखा है, वी टी का कुछ हिस्सा इधर जा रहा है
कुछ ड्रॉप इधर हो रहा है, कुछ ड्रॉप इधर हो रहा है, केवीएल यूज़ करते हो। तो अगर आप इस फिगर पे केवीएल लगाएं तो आपके पास वोल्टेज क्या बन रहा है, वी टी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी ए बी, मैं इसको नाम देती हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है वी ए बी प्लस वी टू। तो आपने वी वन भी फाइंड कर लिया हुआ है, वी टू भी फाइंड कर लिया हुआ है, वी वन भी फाइंड किया हुआ है, आपने वी टू भी फाइंड किया हुआ है और वी टी आपको गिवन है, तो आप यहाँ से वी ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली तो मैं सिक्स पॉइंट में कह सकती हूँ कि वी फाइव इज एक्चुअली इक्वल टू वी ए बी। वी फाइव वही है वी ए बी, क्योंकि अभी मैंने बात की ए बी के बिल्कुल पैरेलल आर फाइव है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वी ए बी आर सिक्स की इक्वल है। क्यों? क्योंकि आर सिक्स इस ए बी के पहले पॉइंट पे तो आर सिक्स है मगर दूसरे एंड पे कुछ दो और रेजिस्टर्स हैं, यानी ये पूरा इस पूरे के लिए सोर्स कुछ बन रहा है। और मैं मुझे ऐसे अच्छा यहाँ से मैं एक और चीज़ फाइंड कर देती हूँ, आई फाइव आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, वी फाइव ओवर आर फाइव, आर फाइव की वैल्यू गिवन है और वी ए बी आपने यहाँ से फाइंड कर लिया जो वी फाइव है। अच्छा अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए अब जो सोर्स बन गया ना, एक्चुअली अब मैं कहती हूँ ये जो पॉइंट है ना ए बी, अब देखें ये जो पॉइंट ए बी है ना वो इस पूरे हिस्से के लिए सोर्स बन गया, तो मैं इसको रीड्रॉ करूँ, अगर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है मगर मैं अपनी आसानी के लिए सॉल्व करने के लिए मैं रीड्रॉ करूँ, तो मेरे पास जो सर्किट बन गया असल में ये आर थ्री आर फोर आर सिक्स और ये ए पॉइंट बी पॉइंट पे जो वोल्टेज वी ए बी ड्रॉप हो रहा है वो मेरे लिए इस पॉइंट के लिए सोर्स बन गया। तो मैं फर्दर इस सर्किट को सॉल्व कर सकती हूँ किस तरह से, आप या तो आप ये काम कर सकते हैं कि इस पूरे हिस्से की आर टी, इस पूरे हिस्से की आर टी फाइंड करें, यू राइट आर टी ऑफ दिस पार्ट, मैं कहती हूँ आर टी ऑफ ब्रांच टू फाइंड करें। आप इस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं आर थ्री पैरेलल आर फोर एंड आर सिक्स, उसके बाद आप क्या करें ये चीज़ आप कैसे यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप फाइंड कर सकते हैं आर थ्री पैरेलल आर फोर प्लस आर सिक्स, आपके पास आर टी ऑफ बी आ जाएगी। ओके वी ए बी इस सर्किट का है तो आप यहाँ से आई टी भी फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि आई टी बी इज इक्वल टू वी टी बी, जो आपने ये फाइंड किया वो वोल्टेज वी ए बी, मैं से वी ए बी का नाम देती हूँ, डिवाइडेड बाई आर टी बी। तो जो आपके पास आई टी बी आया है वही आपके पास एक्चुअली आई सिक्स है। इधर से आप वी सिक्स फाइंड कर सकते हैं, वी सिक्स फाइंड करके आपके आई सिक्स इंटू आर सिक्स, जब आपके पास ये चीज़ आ जाएगी तो आप इस वोल्टेज को वी ए बी को माइनस करेंगे वी सिक्स में, तो आपके पास आ जाएगा इस पॉइंट का, आप इसे नाम दे दें वी सी डी। सी डी का जो वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज आपके पास, यहाँ मैं करती हूँ आप क्या कर सकते हैं वी ए बी इज एक्चुअली इक्वल टू वी सिक्स प्लस वी सी डी, और वी सी डी आपके पास किसके इक्वल है, वी सी डी असल में आपके पास इक्वल है वी थ्री और वी फोर के। दिस इज़ द थिंग, या आप क्या कर सकते हैं इसको करने का और तरीका है, आप आई टी भी फाइंड कर सकते हैं, असल में आई वन का कुछ हिस्सा, आई वन का कुछ हिस्सा इधर गया और कुछ हिस्सा इधर, तो मैं कहती हूँ आई वन इज़ एक्चुअली इक्वल टू आई बी प्लस सॉरी आई फाइव, आई फाइव प्लस आई टी बी, यानी टोटल ऑफ ब्रांच टू आप कह लें, ऑफ टोटल ऑफ ब्रांच टू। तो आपने यहाँ से आई वन इधर फाइंड कर लिया हुआ है, आई वन आपने ये यहाँ फाइंड किया हुआ है वी फाइव ओवर आर फाइव, और आई वन आपको गिवन आपने यहाँ फाइंड कर लिया हुआ है, और यहाँ से आप आई टी भी फाइंड कर सकते हैं। जब आई टी भी फाइंड कर लेंगे तो ऑफ ब्रांच टू तो वही आपके पास आई सिक्स है, आई सिक्स डिक्लेयर किया वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं वी सिक्स इज इक्वल टू आई सिक्स आर सिक्स, और उसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं
बी ए बी इज एक्चुअली, क्योंकि अब ये हमने कहा है कि इसको आप रीड्रॉ करें तो इसके लिए सोर्स पॉइंट ए और बी निकल आया है. तो पॉइंट ए बी को अगर आप बैटरी अज्यूम कर लें तो एक्चुअली कुछ वोल्टेज के वी एल लगाएं, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो रहा है और कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो रहा है, जैसे हमने नाम दे दिया पॉइंट सी और डी का. तो मैं कह सकती हूँ कि पॉइंट सी डी पे इज इक्वल टू वी सिक्स प्लस वी सी डी. यहाँ से मेरे पास वी सी डी आ जाएगा, वी ए बी भी फाइंड कर लिया, वी सिक्स भी. तो यही जो वी सी डी है यही मेरे पास वी थ्री है, यही मेरे पास वी फोर है. तो जब मेरे पास करंट आ जाएगा तो मैं ओम लॉ लगा के आई थ्री फाइंड कर सकती हूँ वी थ्री ओवर आर थ्री, और उसी तरह आई फोर फाइंड कर सकती हूँ आई फोर इज इक्वल टू वी फोर ओवर आर फोर. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. होपफुली ये बात आपको समझ आ गई हूँ. क्या अब इस सर्किट में देखें, ए बी के कुछ पैरेलल लगी हुई है दो रेजिस्टर्स, फिर यहाँ कुछ रेजिस्टर्स है और फिर यहाँ कुछ रेजिस्टर सी डी पे. तो आप रिलेशन बनाना स्टार्ट करें तो आप इसका क्या कर सकते हैं, मैं अगेन राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करती हूँ. द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस सीरीज पैरेलल, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं पहले रीड्रॉ कर लेती हूँ. मैं कह सकती हूँ ये पॉइंट ए बी है, पॉइंट ए बी पे जो वोल्टेज ड्रॉप होना है, अगेन ये बात याद रखें, वो आर वन या आर टू की वजह से नहीं होना, वो आर वन पैरेलल आर टू यानी इन दो रेजिस्टर के कम्बिनेशन की वजह से ड्रॉप होना है. तो जो वोल्टेज वी ए बी पे आएगा वही वी वन होगा, वही आपके पास वी टू होगा. यहाँ आपके पास लगी हुई है बी सी पॉइंट पे आर थ्री, और फिर यहाँ लगी हुई है आपके पास सी डी पॉइंट पे आर फोर फाइव और सिक्स का कम्बिनेशन. तो सी डी पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा खाली आर फोर की वजह से नहीं, या खाली आर फाइव और आर सिक्स की वजह से नहीं, इस पूरे कम्बिनेशन की वजह से. और जो वोल्टेज मेरा वी सी डी होगा वही मेरा वी फोर होगा, क्योंकि वी फोर सी और डी के डायरेक्टली पैरेलल है, यहाँ कोई और रेजिस्टर नहीं या कंपोनेंट नहीं. सी ये बिल्कुल देखें तो डायरेक्ट अटैच है, वायर लगी हुई है, और डायरेक्ट सी डी के अटैच है. लेकिन सी डी के क्या कुछ वोल्टेज इधर ड्रॉप होगा, क्योंकि आगे दो रेजिस्टर सीरीज में और कुछ यहाँ ड्रॉप होगा. तो मैं ये लिख सकती हूँ वी फाइव प्लस वी सिक्स. तो मैं इस सर्किट को जब सॉल्व करूँगी तो जो वोल्टेज इधर सी डी पे आ रहा होगा, मैं कह सकती हूँ कि असल में इसके लिए सोर्स, इस पॉइंट के लिए सोर्स ये वी सी डी बन गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि सोर्स हमारे पास वो चीज़ बनती है. अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अब इस कम्बिनेशन को देखें, इस चीज़ को, तो ये कैसे होगा. हमारे पास ये रिलेशन पहले बन जाएगा, आर टी ऑफ सर्किट हमारे पास बनेगा आर वन पैरेलल आर, ये देखें ये आर वन टू आर थ्री और आर फोर फाइव सिक्स, मैं इस तरह लिख देती हूँ आर वन टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर फाइव सिक्स, ये सबके सब सीरीज में है. अब लेकिन ये देखें आर वन टू आर, इसका मतलब ये दो रेजिस्टर्स का कोई रिलेशन है, यहाँ कोई दो रेजिस्टर तीन रेजिस्टर्स का रिलेशन है, वो कैसे है. तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, आर वन और टू पैरेलल है, यानी आर वन आप देखिए डायरेक्टली पैरेलल नहीं, सॉरी डायरेक्टली सीरीज में नहीं आर वन के साथ. क्यों, एक और चीज़ देखें, जब यहाँ से करंट निकला है तो इधर आके करंट डिवाइड हुआ है इस पॉइंट पे, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो दो रेजिस्टर्स लगे हैं वो पैरेलल है. क्या डायरेक्टली पैरेलल है, बिल्कुल, दोनों के दूसरे एंड भी डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब आर वन पैरेलल है आर टू के साथ, प्लस आर थ्री प्लस, अब आर फोर फाइव सिक्स का देखें, आर यहाँ आके इस पॉइंट पे आके ये डायरेक्टली इधर गया करंट और इधर गया, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो रेजिस्टर्स हैं वो कंबाइन है. लेकिन आप देखें कि R4 डायरेक्टली R5 के साथ पैरेलल है, नो, R4 पैरेलल ज़रूर है R5 के, मगर खाली R5 के नहीं. क्यों, क्योंकि आगे देखो तो उसका दूसरा एंड इधर अटैच, डायरेक्टली अटैच नहीं, बीच में कोई कंपोनेंट आ रहा है, इसका मतलब R5 के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं, यहाँ कोई और रिलेशन है. ये मैंने चीज़ सॉल्व करी हूँ R4 5 6 के लिए. तो R4 पैरेलल है R5 प्लस आर सिक्स के, यानी इन दो कम्बिनेशन के पैरेलल में. तो इस तरह आप करके तो इसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते. ओके, अब हम कुछ करंट वगैरह अगर फाइंड कर सकें, करंट अगेन आप फाइंड आई टी कर लें. सबसे पहला काम आपने ये किया, दूसरा काम आप आई टी फाइंड कर सकते हैं.
आई टी इज इक्वल टू वी टी ओवर आर टी, और जो आई टी है वो आई वन नहीं है क्योंकि आई टी यहाँ आके कुछ हिस्सा आई वन का गया, बाकी आई टी का गया, बाकी इधर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि आई टी इज इक्वल टू आई थ्री, ओके मैं ये बात कह सकती हूँ, आई टी इज इक्वल टू आई थ्री, और I3 आ गया तो मैं V3 फाइन, हम सब अननोन वैल्यूज होते हैं फाइंड करें, मैं V3 फाइंड कर सकती हूँ I3 इंटू R3। क्यों IT और I3, देखें यहाँ आके दोनों यहाँ IT डिवाइड हो गया था, वापस वही चीज़ बन गई, तो मेरे पास यहाँ V3 आ गया। ओके अब अगला काम क्या हो सकता है, हम वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं और यहाँ का वोल्टेज फाइंड करते हैं VAB का। आपको याद हो तो वोल्टेज डिवाइडर क्या कहता था, Vx is equal to Rx over Rt into Vs। अब हमने Vab मैंने फाइंड करना है, तो मेरे पास रेजिस्टर यहाँ आएगा Rab और R, दिस इज Rt into Vs। अब आप देखें Rab यहाँ कौन सा आएगा, Rab जो R1 और 2 की वैल्यू पैरेलल वैल्यू है दैट विल बी Rab। तो मेरे पास यहाँ जो वैल्यू आनी है R1 पैरेलल R2 का जो कंबाइंड वैल्यू आएगी वो होगी Rt, मेरे पास ये पूरे सर्किट वाली होगी, और इनटू Vs। क्यों, क्योंकि ये अपना जो वोल्टेज ले रहा है पूरा ए बी पॉइंट जो अपना वोल्टेज ले रहा है ये कहाँ से ले रहा है, Vs का कुछ हिस्सा इस पॉइंट पे ड्रॉप हो रहा है, कुछ हिस्सा इधर हो रहा है और कुछ हिस्सा इधर, यानी ये अपने पूरे पूरे ही सर्किट में डिवाइड होके इधर पा रहा है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इधर हो गया Vs, मेरे पास Vab की वैल्यू आ जाएगी, जो Vab है मेरे पास वही मेरे पास V1 है, वही मेरे पास V2 है। ओके जब मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी तो मैं I1 भी फाइंड कर सकती हूँ V1 ओवर R1, और I2 भी फाइंड कर सकती हूँ V2 इज इक्वल I2 फाइंड कर सकती हूँ I2 इज इक्वल टू V2 ओवर R2। ओके अब एक काम आप देखें हम क्या कर सकते हैं, मैं कह सकती हूँ Vs KVL लगाऊँ, Vs इज इक्वल टू V1 प्लस VAB कर देती हूँ, सो वी ओल दो वो वही चीज़ है लेकिन फिर भी मैं इसको ज़रा नाम दे रही हूँ V3 प्लस वी सी डी। तो यहाँ से मैं सी डी, क्योंकि वोल्टेज का कुछ हिस्सा इधर ड्रॉप हुआ है, कुछ हिस्सा इधर ड्रॉप हुआ है और कुछ हिस्सा इस पॉइंट पर ड्रॉप हुआ है, तो ये इस तरह से करके मैं यहाँ से वी सी डी फाइंड कर लूँगी। ये दिस इज वी वी एस, ये मैंने के वी एल लगाया है इस पॉइंट पे, ये मैंने के वी एल लगा लिया, मेरे पास वी सी डी यहाँ से आ जाएगा, ये V3 आप देखें आपने V3 ये फाइंड किया हुआ है, दिस वन V3 यहाँ फाइंड किया हुआ है, VAB यहाँ फाइंड किया हुआ है, VS आपको गिवन है 8 वोल्ट और वी सी डी फाइंड करना है। फिर आप क्या कह सकते हैं, जो वी सी डी है वही आपके पास V4 है, V4 आ गया तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, I4 फाइंड कर सकते हैं इज इक्वल टू V4 ओवर R4। ओके ये फाइंड हो गया, उसके बाद आप कर सकते हैं V I4 R4। ओके आपने अब फाइंड करना है V5 और V6, ये कैसे कर सकते हैं, आप इसके लिए इक्विवेलेंट ज़रा डायग्राम ड्रॉ करें। अब मेरे पास V5 और R6 के लिए जो सोर्स बन गया ना असल में R5, ये C से D तक जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज़ द सोर्स फॉर दिस R5 एंड R6। तो मैं अगर इस पे वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला लगाऊं तो मेरे पास बन जाएगा V5 इज इक्वल टू R5 डिवाइडेड बाय Rt इनटू Vs। अब ये बात याद रखिए कि इसके लिए Vs क्या है और Rt क्या है, इसके लिए Rt बनती है, Rt बनेगी इसके लिए, ये किया V5, V5 आपका वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय Rt बनेगी आपके पास, सॉरी दिस विल R5 डिवाइडेड बाय R5 प्लस 6
दोनों का क्यों, क्योंकि ये जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है इसका कुछ हिस्सा इधर जा रहा है और कुछ हिस्सा इधर जा रहा है। तो आपने देखना है ये V5 ने अपना कितना हिस्सा लिया इस टोटल में से, कितना हिस्सा लिया है और वो बाकी कितने हिस्सों में गया है, तो वो सिर्फ R6 में जा रहा है। और ये जो VS है इसके लिए सोर्स बन चुका है ये VCT, तो यहाँ आएगा VCT। तो इसी तरह आप KVL लगा के आप यहाँ लगा लें, VCD आपने लगा लिया, VCD इक्वल टू V5 प्लस V6, तो आपके पास VCD है, V5 आपने वोल्टेज डिवाइडर से फाइंड कर लिया, V6 फाइंड करते हैं। और उसी तरह ओम्स लॉ लगा के आप, दिस इज CD, उसी तरह ओम्स लॉ लगा के आप I5 और I6 फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इसे करंट डिवाइडर में देखूं तो मैं कैसे कर सकती हूँ RT, उसी तरह आप पूरे सर्किट की जो आपने फाइंड की आप उसी तरह प्रीवियस स्टेज हमने की वो आप कर सकते हैं। अब मैं इस पर करंट डिवाइडर लगाऊं इस पॉइंट पे, यहाँ से IT आया और IT का हिस्सा कुछ यहाँ गया और कुछ यहाँ गया, तो करंट डिवाइडर मुझे कहता है IX इज इक्वल टू IT, सॉरी RT ओवर RX इंटू IT। अब हमने ये डिसाइड करना है RX क्या है, मुझे I1 फाइंड करना है, I1 फाइंड करना है तो R1 आएगा, IT कौन सा हिस्सा, मैंने ये R1 अपना करंट किस में से ले रहा है, IT में से ले रहा है, तो इसके लिए यह सर्किट वाला जो I पूरे सर्किट का IT है वही होगा, IT यहाँ सेम रहेगा जो आपने ये फाइंड किया। RT फाइंड करने के बाद आप IT कैसे फाइंड कर सकते हैं, RT वही रिलेशन है जो अभी आपने पीछे देखा है, ये वाला रिलेशन, और IT इसी तरह VT ओवर RT करके आ जाएगा, तो आप यहाँ से VT ओवर RT करके फाइंड कर सकते हैं, तो ये वही RT आएगा, IT आएगा जो ये वाला है, इसे मैं लिख दूँ पूरे सर्किट का, और ये जो RT है ये भी पूरे सर्किट की है, तो ये भी पूरे सर्किट का आएगा। अब R1, अब ये कितने हिस्सों में जा रहा है, R1 हमने देखना, R1 के लिए टोटल रेजिस्टेंस क्या ये पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आएगी, नो, आपने देखना है R1 अपना कितने हिस्सों में वो करंट, ये वाला करंट जाके तो इसका हिस्सा बन रहा है, तो कितने हिस्सों में जा रहा है, R2 में बस और जा रहा है, तो इसके लिए जो RT बनेगी यहाँ इधर जो RT बनेगी दैट विल बी ऑफ वन पैरेलल टू की, यानी मैं लिख दूँ RT ऑफ वन टू, वो यहाँ आएगी और वो बनेगी पूरे सर्किट की, यहाँ नहीं आएगी RT, यहाँ ये वाली आएगी, ये बनती है वन बाय ओवर R1 प्लस वन बाय ओवर R2। आपने ये देखना है कि वो कितने हिस्सों में डिवाइड होके इसके पास करंट जा रहा है, तो वो सब हिस्सों में डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ हिस्सा इस करंट का यहाँ गया और कुछ यहाँ। अब अगर आप इसी पॉइंट पर आ जाएँ, IT फिर I3 की इक्वल है, अब इस पॉइंट पर आके आप लगाएं, इसी तरह मैंने फाइंड करना है I4, तो आ जाएगा RT ओवर RX इंटू IT, अब मेरे पास RX क्या है R4, IT मेरे पास पूरे सर्किट का करंट ही है, क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट जा रहा है वो यही यहाँ पहुँच के तो यहाँ आके डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, मैंने देखना ये I4 में जो करंट आया है इसका बाकी हिस्सा कहाँ गया जो इसे मिला है, तो यहाँ जो RT आपके पास आनी है वो आनी है इन दो ब्रांचेस की, 4, 5, 6, तो RT 4, 5, 6 आपके पास क्या बनती है, 1 ओवर R4 प्लस 1 ओवर R5 प्लस 6, क्यों, क्योंकि ये दोनों आगे सीरीज में है और इन दोनों सीरीज में जाके इसके साथ पैरेलल में है, डायरेक्ट R5 या R6 उसके साथ सीरीज में पैरेलल नहीं है, पूरा ये कम्बिनेशन, तो यहाँ जो RT आनी है वो ये वाली आनी है, सो बी कॉशियस अबाउट द RTs इन दिस इक्वेशन। ओके, आप प्रीवियस मेथड भी ठीक था, ये भी ठीक था, आप जो तरीका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ओके, ये कम्बिनेशन आप देखें, I1 यहाँ से आया है और इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो रहा है, जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है इसका मतलब R2 और R3 पैरेलल हैं, क्या डायरेक्टली पैरेलल हैं, बिल्कुल, क्योंकि दूसरे एंड्स भी अटैच हैं, तो ये पूरा कम्बिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज़ ईजीएस्ट वन, आप इन दोनों को यहाँ से स्टार्ट करें तो ये बन जाएगा आर टी इज़ एक्चुअली ऑफ द सर्किट इज़ आर वन प्लस आर टू पैरेलल आर थ्री प्लस आर फोर। फिर आप आई टी सर्किट का फाइंड कर सकते हैं वी टी ओवर आर टी, जो आपके पास आई टी आया है वही आपके पास आई वन है, वही आपके पास आई फोर है,
जब आपने ये फाइंड कर लिए तो आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, वी वन फाइंड कर सकते हैं, आई वन आर वन, और वी टू फाइंड कर सकते हैं आई टू आर टू। ये चीज़ हो गई। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं वी टी के वी एल लगाएं वी वन प्लस वी ए बी प्लस वी फोर। तो आपके पास ए बी पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर टू और आर थ्री के कम्बिनेशन की वजह से हो रहा है। खाली ये 300 नहीं लगा हुआ या 600 नहीं लगा हुआ, इन दोनों का जो पैरेलल में आंसर आता है असल में बैटरी के लिए वो रेजिस्टर लगा हुआ है। तो ए बी का जो वोल्टेज होगा यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करके वी ए बी फाइंड कर लेंगे और जो वी ए बी निकलेगा आपके पास वही बनता है आपके पास वी टू, वही बनता है आपके पास वी फोर। जब वीज आ जाएंगे दोनों के तो आप आई टू फाइंड कर सकते हैं, वी टू ओवर आई टू और सॉरी आर टू, दिस आर टू, और आई फोर आप आई थ्री फाइंड कर सकते हैं, वी थ्री ओवर आर थ्री। ओके, आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आपने आई टू फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आई टू इज इक्वल टू करंट डिवाइडर लगाएं आर टी डिवाइडेड बाय आर टू इंटू आई टी। अब आप देखें आई टी इस सर्किट में कौन सा आई टी जा रहा है, ये आई वन वाला ही जा रहा है, तो आई टी इसके लिए यही बनेगा जो आपने पूरे सर्किट का फाइंड किया दिस वन। मगर आर टी क्या आपके पास पूरे सर्किट की आ रही है, नो, आपने ये देखना है ये आई टी कितने हिस्सों में डिवाइड होके तो आई टू के पास जा रहा है। ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है, ये वाली यहाँ नहीं आनी, इधर ये वाली यहाँ नहीं आनी, तो यहाँ कौन सी आर टी आनी है, आपने देखना आर टू अपना कितनों में से हिस्सा ले रहा है, तो आर टू अपना असल में इन दो में से हिस्सा ले रहा है। तो इसके लिए जो आर टी आनी है वो आनी है टू और थ्री। तो आर टी टू थ्री आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू वन ओवर वन बाय आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री। तो आप जब आई टू आ जाएगा तो आप उससे फिर वी टू भी फाइंड कर सकते हैं, वी टू इज इक्वल टू आई टू आर टू ओम्स रूल लगा लें, और उसी तरह आप आई थ्री फाइंड कर सकते हैं या आई थ्री कर दें और बाकी टोटल रेजिस्टेंस यही लेगी और वी थ्री फाइंड कर दें। तो हमने इसको भी दो तरीक़ों से किया, या तो आप इस तरीके से कर लें जो ये पहला तरीका है या ये वाला तरीका कर लें। सो फार हमने यही डिस्कस किया, आई होप आपके लिए सीरीज पैरेलल अब क्लियर हो जाएगा।